राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शंस ऑफ, हमें कुछ इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। पहला लिखना है आयरन विद स्टीम या वेपर वाटर, उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। दूसरी हमें कैल्शियम की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, और तीसरे इसमें पोटेशियम की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, ठीक है। तीन हमें रिएक्शन इस क्वेश्चन में आंसर करनी है, पहली आयरन की वाटर के साथ, फिर कैल्शियम की, फिर पोटेशियम की, फिर वाटर की। तो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। इन सब के वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो पहला देखो, पहली है आयरन विद स्टीम। आयरन रिएक्ट विद स्टीम यानी H2O, ठीक है। देखो कैसे रिएक्ट करता है, ये वीडियो देखें। इसमें वाटर है, हमने यहां पर बीकर के अंदर जो है वाटर लिया है, तो ये वाटर है, और इस वाटर में आयरन जो है वो डाला गया है, ठीक है। तो अब क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए हमें पानी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, ठीक है, उसको हीट करते हैं। और जैसे ही हीट करते हैं तो ये आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और इसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यहां पर जो है क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4, ठीक है। Fe की रिएक्शन हमने कराई H2O के साथ, तो Fe हो गया आयरन। आयरन की रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ या वाटर वेपर के साथ, तो बनता है आयरन ऑक्साइड। इसको गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि जो है ठंडे पानी के साथ जो है आयरन रिएक्ट नहीं करता है, बहुत स्लो रिएक्ट करता है, तो इसलिए जो है उसको गर्म करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है आयरन की स्टीम के साथ। अब दूसरा देखें, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखो। तो यहां पर कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, पहले वीडियो देखते हैं। इसमें देखो ये पानी के अंदर जो है कैल्शियम डाला, तो जब पानी के अंदर कैल्शियम डालते हैं तो धीरे धीरे जो है पूरा जो पानी है वो दूधिया मिल्की होना शुरू हो जाता है, और इसमें से एक गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ भी कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, ठीक। अब पोटेशियम की रिएक्शन देखिए, तो पोटेशियम की रिएक्शन देखो, पोटेशियम कैसे रिएक्ट करता है, ये वीडियो देखें। पोटेशियम को डाला, और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है, सोडियम की तरह बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये विग्रसली रिएक्ट करता है और एक्सप्लोजिव हो सकता है ये वाटर के साथ, तो इसलिए क्योंकि इसमें रिएक्ट करते समय बहुत सारी हीट इससे जनरेट होती है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है सोडियम और पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन कराते समय, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये केयरफुल तरीके से ही ये रिएक्शन की जानी चाहिए। तो पोटेशियम के जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इवन मोर विग्रसली, ठीक है, इवन मोर विग्रसली देन कैल्शियम, एंड इट फॉर्म्स द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH, और हाइड्रोजन गैस बनती है। तीनों में हमने देखा हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, पोटेशियम की रिएक्शन में भी, कैल्शियम के में भी, और आयरन के में भी, तीनों में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका मतलब जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ये एक जनरल इक्वेशन में बता रहा हूं, क्या बनते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, प्लस बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तीनों के केस में हमने ये देखा था, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम की रिएक्शन है वाटर के साथ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक यानी इसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, निकलती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और इट कैन बी वायलेंट,
इट कैन बी वायलेंट, ये एक्सप्लोजिव हो सकता है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल इट विद द कॉशन इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एक तरह से जो है नोट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन जो है वाटर के साथ जो है कराएं तो बहुत सावधानी के साथ कराएं।